फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं संदीप परमार अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट क्या है, क्या आपको भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और आपको अपने पैसे को कहां इन्वेस्ट करना है जिससे कि आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिले। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो दोस्तों मेरी वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इन्वेस्टमेंट क्या है, अगर मैं सरल भाषा में बात करूं तो इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आज अगर मैं अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करूं जिससे फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न मिले। रिटर्न आपको किसी भी तरीके से मिल सकता है। आप अपने पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट करें, आपके पैसे के अलावा जो भी आपको पैसा मिले आप उसे अपना रिटर्न कहेंगे। अब आपको ये सोचना है क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि आने वाले समय में महंगाई जिस तरीके से बढ़ती जा रही है आपके पैसे की वैल्यू उस तरीके से नहीं बढ़ रही है, क्योंकि आप अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। मार्केट में पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है लेकिन आपके पास जो आपका पैसा रखा हुआ है उसकी वैल्यू नहीं बढ़ रही है। तो अगर आपको फ्यूचर में सर्वाइव करना है तो आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि जो लोग एक कॉमन मैन होते हैं वो एक 12 घंटे की जॉब करते हैं, उन्हें एक सैलरी मिलती है और वो अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अगर मैं किसी बिजनेसमैन की बात करूं या किसी पढ़े लिखे इंसान की बात करूं तो वो 12 घंटे जॉब करते हैं, अपना पैसा कमाते हैं, जो वो पैसा कमाते हैं उसमें से वो कुछ सेविंग करते हैं, उस सेविंग को वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, उस इन्वेस्ट के बदले उन्हें रिटर्न मिलता है, फिर आने वाले समय में जो रिटर्न मिलता है उसको वो फिर कहीं और इन्वेस्ट करते हैं। तो वो टाइम टू टाइम आप देखेंगे कि आने वाले कुछ सालों में वो अपने थोड़े से पैसे से एक बहुत अच्छा पैसा बना लेते हैं और अमीर बन जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अमीर नहीं बनना है, फ्यूचर में सर्वाइव करना है, तो आपको इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। अमीर बनने के लिए आप इन्वेस्ट जरूर ना करें लेकिन एक अच्छे संसाधन के लिए, एक अच्छी सुख सुविधाओं के लिए और अपने फ्यूचर को सर्वाइव करने के लिए इन्वेस्ट जरूर करें। अब हम आपको बताएंगे कि आप अपने पैसे को कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपको सबसे पहले सलाह दूं तो अगर आप स्टूडेंट हो, आप गवर्नमेंट जॉब करते हो, चाहे आप प्राइवेट जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, समय का किसी को नहीं पता है। आने वाला समय और भी खराब हो सकता है या फिर किसी का समय खराब चल रहा हो या किसी का आने वाला समय भी खराब हो सकता है। तो दोस्तों, आपको इन्वेस्ट करके रखना चाहिए क्योंकि खराब समय में आपका कोई साथ नहीं देगा, आपका पैसा ही आपका साथ देगा। तो आपको, आप जो भी कमाते हैं उसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट, चाहे वो कोई भी हो, 100 रुपये हो, 200 रुपये हो, 1000 रुपये हो, 1 लाख रुपये हो, 5 लाख हो, आप जितना भी बचा सके आपको इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि आप अपने पैसे को कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो मार्केट में बहुत सारे तरीके हैं जहां आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके एक बहुत अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेविंग अकाउंट की, उसके बाद करेंगे हम FD की, RD की, पोस्ट ऑफिस में, PPF, EPF, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी। इनके बारे में हम आपको एक एक करके डिटेल में बताएंगे। इसमें से कुछ चीजें रिस्की हैं और कुछ में बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। आप अगर आप रिस्क की बात करें तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जहां ज्यादा रिस्क होगा वहां ज्यादा प्रॉफिट होगा और जहां पे कम रिस्क होगा वहां कम प्रॉफिट होगा। सेविंग अकाउंट, आज के समय में अगर मैं बात करूं, जिस तरह से दुनिया डिजिटल होती जा रही है, हर इंसान का कहीं ना कहीं एक बैंक में जरूर अकाउंट होता है जिसके थ्रू आप ट्रांजेक्शन करते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं। तो अगर मैं सेविंग अकाउंट की बात करूं तो दोस्तों कुछ बैंकों के अंदर मिनिमम बैलेंस है, यानी आपको कुछ ना कुछ अमाउंट उनके अंदर हमेशा बनाए रखना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो आपसे उसके बदले कुछ फाइन लेते हैं, चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे गवर्नमेंट बैंक हो, कुछ ना कुछ वो आपको इस पैसे पर रिटर्न भी देते हैं। तो अगर आप बिल्कुल भी दोस्तों मार्केट में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप अपने पैसे को प्राइवेट बैंक में या गवर्नमेंट बैंक में रख सकते हैं जिससे आपको इंटरेस्ट मिल सके। अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो दोस्तों सबसे कम इंटरेस्ट या फिर नाम मात्र का रिटर्न या बिल्कुल बहुत ही कम रिटर्न आपको 3-4% रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर रिस्क की बात करूं तो यहां पर 0 रिस्क है। तो आप बिल्कुल रिस्क नहीं मार्केट में लेना चाहते हैं तो आप अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। बात करते हैं FD की या RD की। दोस्तों FD और RD इंडिया में बहुत कॉमन है। आपके आसपास के लोग, आपके पड़ोसी, आपके माँ बाप सभी ने आपको FD RD की सलाह दी होगी, क्योंकि दोस्तों इसमें बिल्कुल रिटर्न नहीं है, या फिर अगर बिल्कुल रिटर्न नहीं है तो बिल्कुल रिस्क नहीं है, और अगर बिल्कुल रिस्क नहीं है तो प्रॉफिट भी बहुत कम है।
क्योंकि दोस्तों इसमें जीरो रिस्क की वजह से आपके चाहने वाले या आपके माँ बाप आपको सलाह देते हैं कि अगर आपके पास कुछ भी पैसा बच रहा हो तो आप इसकी आरडी या एफडी करा सकते हैं। इसमें अलग अलग बैंकों में अलग अलग फिक्स टाइम है, कुछ बैंकों में 1 से 3 साल का समय है, कुछ बैंकों में 3 से 5 साल का समय है। अगर मैं एफडी की इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 7 से 8% रिटर्न रहेगा, और अगर आप 60 साल से छोटे हैं तो आपको 6.5% से 7.5% का रिटर्न रहेगा। और अगर मैं आरडी की बात करूं तो इसमें भी मेरी जो समय की पाबंदी है वो फिक्स है, आपको 1 से 3 साल के लिए या 1 से 5 साल के लिए बैंक में अपना पैसा रखना है, जिसकी वजह से वो आपको बहुत ही कम रिटर्न देते हैं। अगर मैं रिटर्न की बात करूं, अगर आप बिलो 60 हैं तो आपको 5 से 8% रिटर्न मिलेगा, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको 6 से 8.5% रिटर्न रहेगा, यानी 8.5% रिटर्न मिलेगा। दोस्तों ये रिटर्न नाम मात्र के बराबर है, यानी मैं कहूंगा अगर और भी तरीके जो मार्केट में इन्वेस्ट करने हैं उनके मुकाबले यहाँ पर रिटर्न जीरो है। दोस्तों आप अपनी आरडी और एफडी प्राइवेट बैंक में करा सकते हैं, गवर्नमेंट बैंक में करा सकते हैं या पोस्ट ऑफिस में करा सकते हैं। बस इसमें एक टाइम फ्रेम होता है, एक नियमित समय होता है, उतनी अवधि के लिए आपको अपने पैसे को फिक्स रखना है, जिसके बदले आपको बैंक रिटर्न देगी जो कि बहुत कम है। लेकिन अगर मैं रिस्क की बात करूं तो ये जीरो रिस्क है और बहुत सारे लोगों का ये बहुत ही फेवरेट ऑप्शन है पैसे इन्वेस्ट करने का। तो अगर आप भी सोच रहे हैं, अगर आप भी मार्केट में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप भी आरडी और एफडी के थ्रू मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो अपने पैसे को पीपीएफ में भी जमा करा सकते हैं। अगर आप जो भी पैसा पीपीएफ में जमा कराते हैं, इसकी सबसे बड़ी जो सुविधा है या खासियत है वो ये है कि ये टैक्स सेविंग है। आपका जितना भी पैसा इसमें आप जमा कराते हैं या फिर उसके ऊपर आपको जो भी रिटर्न मिलता है वो सब टैक्स सेविंग के अंडर आता है। अगर आप पीपीएफ में पैसा जमा कराते हैं तो इसकी भी एक फिक्स टाइम है, आपको आपका पैसा 5 साल के लिए फिक्स हो जाएगा। अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो अभी पीपीएफ में 7.1% रिटर्न मिल रहा है, तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपने पैसे को पीपीएफ में डाल सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं ईपीएफ की बात करूं तो दोस्तों अगर आप चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो चाहे आप प्राइवेट एम्प्लॉई हो, आपकी कंपनी ईपीएफ में पैसा आप जमा कराती होगी, जिसके बदले आपको एक रिटर्न मिलता होगा। रिटर्न की बात करूं तो 8.5% रिटर्न है। अगर आप चाहें तो आप इसमें और भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 8.5 का रिटर्न काफी अच्छा रिटर्न है, जो कि आने वाले टाइम में हो सकता है कम हो, लेकिन इतना आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हैं मार्केट में, या फिर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, या आप इस सिचुएशन में है कि आप रिस्क लेना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, आप आरडी करा सकते हैं, आप एफडी करा सकते हैं, आप अपने पैसे को पोस्ट ऑफिस में जमा करा सकते हैं, आप पीपीएफ में भी पैसा डाल सकते हैं, और आप ईपीएफ में भी अपने पैसे को कटवा सकते हैं। इन सभी तरीकों से या इन सभी जो भी मेरे मार्केट में वेज है या फिर जो भी मेरे ऑप्शंस हैं, इनमें रिटर्न काफी ज्यादा नहीं है लेकिन रिस्क जीरो है। दोस्तों जहां ज्यादा रिस्क होगा वहां प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, इनमें रिस्क कम है तो प्रॉफिट भी कम है, लेकिन अगर आप इनमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत, अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो आपको एक अच्छा लेकिन कम रिटर्न मिलेगा। अब हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में। अगर आप चाहें तो आप अपने पैसे को गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड का जब भी मैं सुनता हूं ऑप्शन आता है शादी का। जी हाँ दोस्तों, हम अपने शादी के समारोह में सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदते हैं, या फिर यही एक मौका होता है जब इंडिया में सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदा जाता है। अगर मैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो मैं 2 तरीके से गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता हूं, एक डिजिटल गोल्ड, दूसरा फिजिकल गोल्ड। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिजिटल गोल्ड की बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप बैंक के थ्रू या किसी प्राइवेट एप्लीकेशन के थ्रू आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे फंड डिजिटल या फिर प्लेटफॉर्म पर ऐसी अवेलेबल है या इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आप डिजिटल बॉन्ड में या डिजिटल गोल्ड में कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं, आप जब चाहे बाइंग कर सकते हैं और जब चाहे सेल कर सकते हैं। अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो ये थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन 5-10% गोल्ड ने पिछले कुछ समय में एक अच्छा रिटर्न दिया है। बात करते हैं दोस्तों फिजिकल गोल्ड की। दोस्तों फिजिकल गोल्ड का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हिंदुस्तान में
फिजिकल गोल्ड पे मेकिंग चार्ज लिया जाता है। अगर मैं गोल्ड खरीदने की बात करता हूँ तो मेरे ख्याल में दो ही बातें आती हैं, या तो गोल्ड का बार या फिर ज्वेलरी। अगर मैं ज्वेलरी की बात करूँ तो हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा ही मेकिंग चार्ज लिए जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता है इतने मेकिंग चार्ज का मतलब क्या है। अगर मैं कोई चीज़ बाइंग करता हूँ तो उस पर मेकिंग चार्ज लिया जाता है, लेकिन अगर मैं उसे सेल करता हूँ तो मेकिंग चार्ज घटाने के बाद या फिर मेकिंग चार्ज कम करने के बाद उसे मुझसे खरीदा जाता है, तो ये मेरा एक बहुत बड़ा लॉस है जो कि कुछ लोगों को गोल्ड में इन्वेस्ट करने से मना करता है। जब आप बाइंग करते हैं तब प्राइस कुछ और है, लेकिन जब आप सेल करते हैं तब प्राइस कुछ और है। अगर मैं खरीदने की बात करूं तो फिजिकली गोल्ड खरीदना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं मार्केट में खरीदने जाऊंगा तो या तो मैं 1 ग्राम खरीदूंगा या मैं 5 ग्राम खरीदूंगा या फिर मैं कोई ज्वेलरी खरीदूंगा। अगर मैं एक स्टूडेंट हूं या एक नॉर्मल एम्प्लॉय हूं तो मेरे पास इतना पैसा कभी नहीं होगा कि मैं 1 ग्राम सोना खरीदूं या 5 ग्राम सोना खरीदूं या फिर कोई ज्वेलरी खरीदूं। तो दोस्तों फिजिकली गोल्ड खरीदना थोड़ा सा मुश्किल भी है और इसके रिटर्न भी बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन जिन लोगों के पास बहुत अच्छा पैसा है या फिर उनके पास कहीं से इतना रिटर्न इतना अच्छा आ रहा है तो वो गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड, जो भी आपको ऑप्शन अच्छा लगे आप उसे बाइंग कर सकते हैं। रिस्क थोड़ा बहुत है लेकिन रिटर्न भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ईयर बाय ईयर गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं, लेकिन रिटर्न की बात करें तो आपको 5 से 10% रिटर्न फंड की। दोस्तों अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं तो आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में भी लगा सकते हैं। अगर मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूं तो इसके शब्द में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। म्यूचुअल मतलब जहां पर ग्रुप ऑफ पीपल, यानी बहुत सारे लोग अपने पैसे को किसी कंपनी में या किसी फंड मैनेजर को देते हैं, जहां पर वो कंपनी एक फंड मैनेजर अपॉइंट करती है, वो आपके पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, उसके बदले वो 1-2% अपनी फीस चार्ज करता है और जो रिटर्न मिलता है वो आपको वापस करता है, तो इससे काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको मिलता है। अगर मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूं तो दोस्तों 3 तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। पहला है मेरा इक्विटी फंड। दोस्तों इसमें मेरा सारा पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाता है। ये हाई रिस्की है, जहां पे ज़्यादा रिस्क रहेगा वहां प्रॉफिट भी रहेगा, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के चांस इसी में है। अगला है मेरा डेब्ट फंड। ये लो रिस्की फंड है, अगर यहाँ पर रिस्क कम है तो यहाँ पे प्रॉफिट भी लो है। जो मेरा तीसरा फंड है वो मेरा हम बैलेंस फंड कहते हैं। बैलेंस फंड में 50% पैसा मेरा इक्विटी फंड में लगाया जाता है और 50% मेरा पैसा डेब्ट फंड में लगाया जाता है, तो इसका पैसा 50-50% डिवाइड किया जाता है, जिससे इसका नाम बैलेंस फंड पड़ा हुआ है। इसमें अगर मैं रिस्क की बात करूं तो बिल्कुल लो रिस्क है। अगर मेरा लो रिस्क है तो इसमें प्रॉफिट भी बहुत ही कम है। आप इन तीनों में से कोई भी मार्केट में एनालिसिस करके अपने पैसे को इन तीनों फंड में से किसी में भी लगा सकते हैं। अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो म्यूचुअल फंड में 2 तरीके के फंड होते हैं, एक फिक्स टाइम और एक ओपन एंडेड। आप पैसे को आज लगाइए कल निकाल लीजिए, उसे ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड कहेंगे। अगर आप अपने पैसे को किसी फिक्स टाइम के लिए लॉक कर देते हैं तो उसे फिक्स टाइम फंड कह देते हैं। इसमें से आप अपने पैसे को निकाल तो सकते हैं लेकिन उसके बदले आपको कुछ फाइन देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे फंड में निवेश किया जाए जिससे आपको इनकम टैक्स में छूट मिले, जी हाँ दोस्तों मार्केट में कुछ ऐसे फंड भी हैं जिन्हें टैक्स सेविंग फंड किया जाता है, इन्हें ELSS फंड के नाम से भी जाना जाता है। ये लो रिस्की रहते हैं लेकिन इसमें आपका पैसा एक फिक्स टाइम के लिए या फिर अगर मैं बात करूं तो 3 साल के लिए फिक्स हो जाता है। फिक्स होने की वजह से इस पिछले कुछ समय में मेरे ELSS फंड ने या टैक्स सेविंग फंड ने 50-70% रिटर्न दी है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप इसमें भी पैसा लगाएं तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर मैं इसके लॉकिंग पीरियड की बात करूं तो दोस्तों कुछ लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है। मार्केट में आपको ये बताया जाता है कि इसमें आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक रहेगा। दोस्तों मैं आपको ब्रीफ में बताता हूं, आपका पैसा 3 साल के लॉक नहीं रहेगा, उससे ज़्यादा समय के लिए रहेगा। इसमें जो 3 साल का लॉकिंग पीरियड है वो आपकी हर किस्त का है। मतलब अगर आज आप कोई पैसा जमा करते हैं तो आप उसे 3 साल बाद निकाल सकते हैं। अगर आप इससे अगले महीने जमा कर सकते हैं तो उसका 3 साल होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को लगता है कि मैंने अगर आज म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है तो मैं 3 साल के बाद सारा पैसा निकाल सकता हूं, ऐसा नहीं है। ELSS टैक्स सेविंग फंड में हर किस्त
का पैसा 3 साल के लिए लॉक होता है। इन्हीं सब रीजंस की वजह से ये आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न देती है। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं तो बहुत सारे तरीके हैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के। इसका सबसे सरल और सुविधाजनक उपाय ये है कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे अगर आपको गोल्ड लेना है तो आपको एक बल्क ऑफ अमाउंट चाहिए, म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपके पास 500 रुपए भी है या 1000 रुपीज या 500 या 5000 या 1 लाख, आप किसी भी अमाउंट के साथ मार्केट में SIP करा सकते हैं। SIP का मतलब है दोस्तों सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी हर महीने कुछ अमाउंट आपका फिक्स हो जाएगा जो कि हर महीने कटता रहेगा, उस म्यूचुअल फंड को जाता रहेगा। आप इसका समय अवधि कितना भी ले सकते हैं, आप चाहे तो आपकी किस्त 1 साल के लिए कट सकती है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए या लास्ट टाइम के लिए, आप जितने समय के लिए म्यूचुअल फंड में अपना पैसा कटवा सकते हैं। अगर आप SIP नहीं करना चाहते हैं दोस्तों तो आप इसमें लमसम भी कर सकते हैं। कुछ लोगों के पास मंथली इनकम सोर्स इतना नहीं है कि हर महीने पैसा आए, उनके पास बल्क में पैसा आता है तो वो लमसम भी करवा सकते हैं। दोस्तों लमसम क्या है, अब बल्क ऑफ अमाउंट या फिर एक बहुत सारा पैसा जिसे आप आज आपका मन किया तो आज म्यूचुअल फंड में डाल दिया, अगर वो बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया है तो आप उसे कल भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। तो दोस्तों आप म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू या लमसम के थ्रू मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तभी आप इसमें इन्वेस्ट करें, या फिर अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपको नॉलेज नहीं है तो म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा तरीका है। इसमें आपको ज़्यादा जानकारी नहीं चाहिए, बस आपको ये पता करना है कि मुझे किस फंड में इन्वेस्ट करना है, मेरे जो फंड है उसके टारगेट वैल्यूज क्या है, उसके फंडामेंटल्स क्या है, मैंने अपना पैसा कहाँ कहाँ लगा रखा है जिससे आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिले। आपको किसी के कहने से या किसी के द्वारा दी गई टिप के थ्रू किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि आपको फ्यूचर में लॉस हो सकता है। सोच समझकर जहां भी आप इन्वेस्ट करें तो पहले जानकारी लें, फिर उसके बाद सोचें समझें, तभी अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, वरना आपको लॉस हो सकता है। शेयर मार्केट, आप अपने पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके भी बहुत अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहां पर बहुत ही कम लोग, 5% लोग ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर मैं बाकी कंट्रियों की बात करूं तो USA वगैरह में 50% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरते हैं, इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला ये है कि हम लोग रिस्क लेने से डरते हैं, क्योंकि दोस्तों शेयर मार्केट बहुत रिस्की है, या फिर हमें शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है कि हमें अपना पैसा कहाँ लगाना है। अगर मैं और बात करूं तो यहाँ पर कोई ऐसा डेडिकेटेड कोर्स नहीं है या फिर कोई ऐसे प्रोग्राम नहीं है जहाँ पर आपको ये बताया जाए कि अगर आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको क्या क्या देखना है और कैसे इन्वेस्ट करना है। दूसरा, मार्केट में बहुत सारे अगर फ्रॉड हुए हैं, अगर मैं सबसे बड़े फ्रॉड की बात करूं तो हर्षल मेहता फ्रॉड, आप सभी ने नाम सुना होगा। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या नहीं करते हो, लेकिन आपने इस स्कैम के बारे में सुना होगा जो कि इंडियन शेयर मार्केट की हिस्ट्री का बहुत बड़ा स्कैम था। तो दोस्तों ये बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से इंडिया में लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरते हैं। इसमें रिस्क बहुत है, लेकिन अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो दोस्तों शेयर मार्केट में बहुत अच्छे रिटर्न है। अगर मैं कुछ लोगों के बारे में बात करूं जिन्होंने शेयर मार्केट से बहुत पैसा कमाया है, तो सबसे पहला नाम मेरे दिमाग में जो आता है वो वॉरेन बफेट का आता है। उन्होंने बहुत ही कम समय में या बहुत ही छोटी उम्र में शेयर मार्केट में पैसे में इन्वेस्ट किया और आज एक बहुत बड़े मिलीनियर बिलीनियर हैं। उसके बाद अगर मैं इंडिया के वॉरेन बफेट के बारे में बात करूं तो दोस्तों मेरे ख्याल में और मेरे दिमाग में एक ही नाम आता है, राकेश झुनझुनवाला। उन्होंने भी शेयर मार्केट से बहुत पैसा बनाया है। और भी इंडिया में बहुत सारे या वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा पैसा बनाया है। दोस्तों आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हैं। अगर मैं शेयर मार्केट की काम की बात करूं, ये कैसे काम करती है, तो ये डिमांड एंड सप्लाई में काम करती है। आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाना चाहूँगा। अगर आप सब्जी मंडी में जाते हैं तो वहाँ पर अगर किसी सब्जी का प्राइस 20 रुपये है तो आप उससे किसी भी सब्जी को खरीदेंगे तो वो आपको उसका प्राइस 20 रुपये बताएगा। आप उससे जरूर नेगोशिएशन करेंगे, आप बोलेंगे कि मुझे ये 18 रुपये में चाहिए, तो फिर आपके बीच में नेगोशिएशन होता है, ना उसके 20 रुपये ना आपके 18 रुपये, आप उसे 19 रुपये में खरीद लेते हैं। दोस्तों ऐसे ही मेरी शेयर मार्केट काम करती है। अगर मेरी मार्केट में कोई ऐसी सब्जी आती है जिसकी सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो दोस्तों शेयर मार्केट भी इसी
फंडामेंटल और इसी तरीके से डिमांड एंड सप्लाई पे काम करती है। जिसकी ज्यादा डिमांड होगी उसकी सप्लाई कम होगी तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। शेयर मार्केट के लिए एनएससी और बीएससी काम करती है। आप मार्केट में जाके देख सकते हैं या अपने गूगल पर चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी शेयर खरीदना है तो आप एनएससी और बीएससी के थ्रू खरीद सकते हैं। लेकिन जब किसी शेयर को खरीदने की बात आती है तो दोस्तों आपके मन में एक ही ख्याल आता है, टिप। आप कहीं पर रिसर्च नहीं करते हैं, आप कहीं पर कोई जानकारी नहीं लेते हैं, आप बस टिप मांगने लगते हैं। दोस्तों टिप रेस्टोरेंट में मांगी जाती है या रेस्टोरेंट में दी जाती है, शेयर मार्केट में नहीं। अभी जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लॉस होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो टिप ही है। लोग क्या करते हैं, टीवी देखते हैं, कुछ एडवाइजर रखते हैं, न्यूज़पेपर से अपनी जानकारी लेते हैं या फिर इंटरनेट से क्या कहते हैं जानकारी लेते हैं या फिर अपने फ्रेंड से पूछते हैं। इन सभी तरीकों से कुछ ना कुछ आपको टिप मिल जाती है। आप टिप की वजह से क्या करते हैं, आप लॉस में जाते हैं क्योंकि आपने उस कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल को रिसर्च नहीं किया है या फिर उसके बारे में जानकारी नहीं ली है, बस उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया है और आपको नहीं पता है कि वो कंपनी पहले से ही लॉस में चल रही है। तो जब वो खुद लॉस में है तो वो आपको क्या प्रॉफिट देगी, तो आपको लॉस होगा। तो टिप के कारण बहुत सारे लोगों को लॉस होता है और वो शेयर मार्केट से खुद भी डरते हैं और दूसरों को भी डराते हैं। आपको दोस्तों टिप पे नहीं जाना है, आपको हमेशा ट्रेंड पे जाना है, आपको हमेशा ट्रैक पे जाना है। जो आपके शेयर का ट्रैक है, जो आपके शेयर का ट्रेंड है, उसका ग्राफ है, उसके अप एंड डाउन है, उसको हमेशा फॉलो करना है। अगर मैं बात करूं तो आपको उसके चार्ट को हमेशा फॉलो करना है और आप अगर चाहें तो आप उसके ग्राफ को भी पढ़। दोस्तों अगर आपको मार्केट में पैसा लगाना है तो आज आपको मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बता जा रहा हूँ या फिर आपको एक ऐसे तरीके के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं पीई की। पीई का मतलब होता है प्राइस अर्निंग रेशियो। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो मैं कितना लगाऊंगा, मुझे कितना मिलेगा। आपको हमेशा दोस्तों मार्केट में जब भी इन्वेस्ट करना है तब आपको उस कंपनी का पीई रेशियो देखना है। मार्केट में निफ्टी 50 है, अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो उसके अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है। हमेशा आपको उसका पीई देखना है। आप कंपनी का भी पीई देख सकते हैं, चाहे तो आप निफ्टी 50 का भी पीई दे सकते हैं। जितना प्राइस अर्निंग रेशियो कम होगा मार्केट में उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो आपको एग्जाम्पल ये है कि अगर मेरा पीई 1, 2, 3, 4, 5 है तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अगर मेरा पीई 30, 40, 50 है तो आपको कम रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों अब आपको ये डिसाइड करना है कि मेरे शेयर का या मार्केट का या निफ्टी 50 का पीई कितना होगा जब आप इन्वेस्ट करेंगे। मेरी आपको सलाह ये रहेगी, जब भी आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करें, मार्केट में इन्वेस्ट करें, उसका पीई ट्रैक करें, उसका पीई कितना जाता है, लो कितना जाता है, हाई कितना जाता है, आप उसे एनालिसिस करें, आप उसे ट्रैक करें। जब उसका पीई ज्यादा हो तब उस शेयर को सेल करें, जब उस शेयर का पीई कम हो तब आप उसमें बाइंग करें। कभी भी मार्केट से टिप ना लें। दोस्तों फिर मैं आपको बताने जा रहा हूं, टिप हमेशा रेस्टोरेंट में दी जाती है, मार्केट में नहीं। मार्केट में आप टिप लेंगे तो आपको हमेशा लॉस ही होगा। अगर मैं टिप की बात करूं तो दोस्तों क्या हुआ, कुछ लोग आपस में बैठे हुए थे, शेयर मार्केट के बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, वो एक दूसरे से बात करते हैं और बोलते हैं मार्केट इज वर्स्ट, बाय बाय टू मार्केट। अब क्या होता है दोस्तों, कुछ लोग बाहर खड़े हुए हैं, उन्होंने आपको पता है पूरा नहीं सुना, उन्होंने बाय बाय टू मार्केट की जगह बाय टू मार्केट सुन लिया और सबको बता दिया बाय करो बाय करो बाय करो। लेकिन उस वक्त मार्केट का और शेयर का पीई रेशियो बहुत ज्यादा चल रहा था, लोगों ने बाइंग किया और उन्हें लॉस हुआ। तो दोस्तों आपको कभी भी टिप पे नहीं जाना है, हमेशा आपको फंडामेंटल चेक करने हैं। अगर मैं स्कैम की बात करूं तो दोस्तों हर्षल मेहता स्कैम आपको सभी को पता है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने किसी शेयर के आर्टिफिशियल बाइंग कराई। अगर मैं कंपनी का नाम लूं तो एसीसी सीमेंट की मैं बात करूंगा, उन्होंने आर्टिफिशियली बाइंग कराई, लोगों को टिप दी कि बाइंग करो बाइंग करो बाइंग करो। जिस वक्त उन्होंने शेयर को बाइंग करवाया उस वक्त उसका प्राइस 200 था, लेकिन आर्टिफिशियल बाइंग करवाने की वजह से बहुत सारे लोगों ने उसको बाइंग किया और उसका प्राइस 9000 रुपये चला गया। लेकिन अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूं, मैं टेक्निकल की बात करूं, अगर मैं उस कंपनी के मैनेजमेंट की बात करूं या प्रॉफिट की बात करूं तो वो सब जीरो था, उनके अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। ये सब एक फॉल्सिफिकेशन था, एक टिप थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो बड़े बड़े लोग थे वो 9000 पे एग्जिट कर गए, जो छोटे मोटे इन्वेस्टर थे वो 9000 पे फंस गए और उसका डाउन प्राइस फिर से डाउन आ गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इतने बड़े एग्जाम्पल से कि आपको किस तरीके से लॉस होता है। मैं आपको टिप का एक एग्जाम्पल और देता हूं। इसी तरीके से एक कंपनी में मीटिंग चल रही थी जहां पर कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बैठे थे, वो आपस में बात करते हैं आई एम एक्सेलिंग इन मार्केट।
तो उस मीटिंग रूम के बाहर कुछ लोग और भी खड़े हुए थे शेयर मार्केट के, उन्होंने उस शब्द को सुना और उन्हें लगा सेल इन मार्केट, सेल इन मार्केट, सेल इन मार्केट। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों कि सभी को टिप दे दी कि सेल कर दो मार्केट में, और लोगों ने सेल कर दिया। लेकिन उस वक्त प्राइस या फंडामेंटल इतने अच्छे चल रहे थे कि उनको सेल नहीं करना था और लोगों को लॉस हो गया। तो दोस्तों आपको कभी भी टिप पे नहीं जाना है। अगर आपको कोई टिप देता है, आपको बताता है कि आपको कौन सा शेयर बाइंग करना है या फिर आपको कौन से शेयर में पैसा लगाना है, तो अपने दोस्तों की सलाह से या फिर किसी और की सलाह से या अपने कलीग्स की सलाह से या फिर टीवी के थ्रू या फिर इंटरनेट या किसी भी टिप के थ्रू आपको कोई भी शेयर नहीं खरीदना है। पीई रेशियो एक बहुत बड़ा फंडामेंटल या बहुत बड़ा टेक्निकल एक तरीका है। इसके थ्रू आप हमेशा किसी भी शेयर को, मार्केट को एनालिसिस करें। दोस्तों आपको पीई के बारे में कभी कोई नहीं बताएगा, क्योंकि या तो आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं या फिर अगर आप किसी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप किसी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपसे एक मोटी इंटरेस्ट ले रहा है पैसे इन्वेस्ट करने के थ्रू, तो वो आपको नहीं बताएगा कि पीई क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है मार्केट में। तो जब भी आप इन्वेस्ट करें तो आप हमेशा पीई के थ्रू इन्वेस्ट करें, क्योंकि जितना मेरा पीई कम होगा यानी जितना मेरा प्राइस अर्निंग रेशियो कम होगा उतना आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। जितना मेरा पीई ज़्यादा होगा उतना मेरा प्रॉफिट कम होगा। तो मुझे दोस्तों इतना समझ में आता है कि मुझे कम लगा के ज़्यादा पाना है, ज़्यादा लगा के कम नहीं पाना है। तो आपको प्राइस अर्निंग रेशियो का ध्यान रखना है, किसी शेयर का मार्केट का जितना कम प्राइस अर्निंग रेशियो आपको इन्वेस्ट करना है। और अगर आप चाहती हैं कि मार्केट में इन्वेस्ट करना है, मैं नहीं रह सकता इन्वेस्ट किए बिना, अगर उस कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट करिए, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट मत करिए। कभी भी किसी के कहने से या कभी भी किसी टिप के थ्रू आप इन्वेस्ट मत करिए। आप दोस्तों इस तरीके से शेयर मार्केट काम करती है और आप इस तरीके से शेयर मार्केट से रिटर्न ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की है। तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। दोस्तों आप क्रिप्टो करेंसी में भी पैसे लगाकर अपने आप इंटरेस्ट ले सकते हैं या फिर क्रिप्टो करेंसी में भी पैसा लगाकर बहुत अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। अगर मैं रिटर्न की बात करूँ तो हमने जितने भी और भी तरीकों के बारे में बात करी, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे मेरा सेविंग अकाउंट हो, चाहे मेरा ईपीएफ हो, आरडी हो, एफडी हो, इन सबसे ज़्यादा रिटर्न पिछले कुछ समय में क्रिप्टो करेंसी ने दिए हैं। लेकिन अगर मैं रिस्क की बात करूं तो ये सबसे ज़्यादा बहुत रिस्की है, इसके अंदर बहुत सारी या बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। तो आप बहुत ज़्यादा या रिस्क नहीं ले सकते हैं या बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो आप क्रिप्टो करेंसी में बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें। आप अगर रिस्क ले सकते हैं तभी आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की अगर मैं प्लेटफॉर्म की बात करूं तो इसके शब्द में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। क्रिप्टो मतलब डिजिटल, करेंसी मतलब मेरा वॉलेट या फिर मेरा पैसा, ये डिजिटल करेंसी है जिसे आप छू नहीं सकते हैं, जिसे आप फील नहीं कर सकते हैं। बस इलेक्ट्रॉनिकली एक जगह से दूसरी जगह या फिर किसी गुड्स को बाइंग करने के लिए या सेल करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिकली या फिर कंप्यूटराइज सिस्टम पर काम करती है, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स इसके अंदर काम करते हैं। उन कंप्यूटर्स को माइनिंग या माइनर्स के थ्रू चलाया जाता है, जिसमें बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर की मदद ली जाती है, जिनके बदले उन्हें कुछ थोड़े से कॉइन दिए जाते हैं। ये जो करेंसी है वो आने वाले टाइम का बहुत बड़ा फ्यूचर है, या फिर मैं कहूँ आने वाला समय क्रिप्टो करेंसी का है, क्योंकि इसकी ट्रांसपेरेंसी, इसकी सेफ मेथड और इसके बढ़ते हुए इम्पोर्टेंस या फिर इसकी बढ़ती हुई पॉपुलरिटी के कारण क्रिप्टो करेंसी बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है। कुछ फ्लक्चुएशंस हैं या फिर कुछ ड्रॉबैक हैं कि इसके ये रेगुलेशन के अंदर अभी बहुत ही कम आती है, लेकिन इसके अंदर जितना ज़्यादा रिस्क है उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट है। बहुत सारे कॉइन्स हैं मार्केट में, जब भी आप किसी कॉइन में इन्वेस्ट करें तो उसका फंडामेंटल ज़रूर चेक कर लें, उसकी कंपनी का प्रोफाइल चेक कर लें, तभी आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट ना करें। अगर आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर चेक कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है और कैसे काम करती है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट क्या है, आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, और अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी सेविंग ऑफ मनी है तो आप कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही मैंने आपको बताया कि अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं तो आपको अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर आप थोड़ा बहुत भी रिस्क ले सकते हैं तो आप अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि मार्केट में इन्वेस्टमेंट तो हर कोई करना चाहता है लेकिन उसे पता नहीं है कि उसे अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे उसको फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न मिले।